हमारे पास क्या एक थिन वायर है, ओके, जिसको हम रिलिंग कर रहे हैं चारों तरफ, ओके, इन अ वर्टिकल सर्कल। ओके मतलब क्या कर, इसको वर्टिकल सर्कल पर इसको मूव करा रहे हैं। तो हमने क्या लिया, वायर ले लिया और इसको इस तरीके से मूव करा, इस तरीके से मूव करा। दो तरीका होता है मूव कराने का, या तो इस तरीके से मूव करा, ये क्या वर्टिकल सर्कल फॉर्म करेगा। ओके रिलिंग कर रहे हैं इसको चारों तरफ, क्या कर रहे हैं वर्टिकल सर्कल पर, ठीक है। या ऐसे ऐसे मूव कराते हो ना, ऐसे ऐसे मूव कराते हो ना, तो ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये वाला सर्कल हॉरिजॉन्टल सर्कल मूव करता है। ऐसे भी मूव करा सकते हैं ना, हमने मास एम अटैच कर दिया। तो सिंपली क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या एक वायर है ना, यहाँ पर हमने मास एम अटैच किया और इसको वर्टिकल मोशन में ला रहे थे। ये वर्टिकली इसी बोर्ड के प्लेन में, ये मोशन में, इस बात को क्लियर करना है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन की हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो ऑप्शन है, तो वायर इज हॉरिजॉन्टल, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। अब देखो ये वर्टिकल मोशन में इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एम जी है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है एम जी है। इस वायर का लेंथ मान लो एल है। अब ये एक टाइम आएगा जब ये यहाँ पर आ जाएगा, एक टाइम आएगा जब ये यहाँ पर आ जाएगा, एक टाइम आएगा जब ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, इसका मतलब ये होगा कि कुछ ऐसा, इस ये वाले पोजीशन की बात कर रहा है जब ये 60 डिग्री पर हो जाएगा, है ना। तो मैं एक एक करके सारा बता देता हूँ कंडीशन क्या क्या, किस कंडीशन में क्या होगा। अब कह रहे हैं कि ये जो ब्रेक होगा, जो वायर ब्रेक होने की चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पर है ना। ए पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। सबसे पहले पर अगर मान लो बी और डी पर हुआ, तो बी और डी क्या सिमेट्रिकल है ना, तो बी होगा तो फिर डी भी होगा, डी होगा तो बी भी होगा, है ना। तो ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब देखो ये वायर है, इसका लेंथ एल है, इसका मास एम है, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, बेसिक फोर्स क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा एम मास के कारण, वो फोर्स कितना होगा एम जी होगा, एम जी होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन के कारण क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के कारण तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका फोर्स लग जाएगा, और वो फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तो एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। फोर्स क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर, इसका मास एम है तो एम वी स्क्वायर बाय आर फोर्स लगेगा, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, ये फोर्स क्या होगा स्यूडो फोर्स होगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया एम जी प्लस का एम वी स्क्वायर बाय आर। या इसको बेसिक तुम और अंदर जाना चाहते हो और बेसिक पे से स्टार्ट करना चाहते हो, ये क्या होगा टेंशन, इसमें क्या होगा टेंशन होगा, इसमें क्या होगा टेंशन होगा, तो टी लगेगा, टेंशन अंदर की तरफ लगेगा, टेंशन अंदर की तरफ लगेगा, और ये जो एम वी स्क्वायर बाय एल है, यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाय एल है, ये भी अंदर की तरफ लगेगा, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना। यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय एल लगा, ये अंदर की तरफ लगेगा, लेकिन जब ये मोशन में आएगा तो ये क्या करेगा स्यूडो एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा ये स्यूडो एक्ट करेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस एम वी स्क्वायर बाय एल, ये किसके बराबर हो जाएगा एम जी के बराबर हो जाएगा। तो टोटल टेंशन जो होगा ना, ये सर्कुलर मोशन के कारण जो फोर्स लग रहा है प्लस का एम जी, दोनों का एड अप होता है ना। ये टेंशन क्या हो जाएगा यहां पर एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी, है ना एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस का एम जी, ठीक है। ये यहां पर इतना टेंशन होगा, बात बराबर है बताओ, यहाँ पर इतना, यहाँ तक किसी को बात, कोई कोई किसी को कोई भी दिक्कत है बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है सर, ठीक है, बात समझ में आ जाती है। अब एम जी प्लस एम बी स्क्वायर में एल हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आओगे तुम, यहाँ पर जब आओगे तुम, तो इससे क्या होगा फोर्स क्या होगा कम होगा, यहाँ पर आओगे तो फोर्स, इस पर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास कम हो जाएगा, है ना। तो कितना कम होगा, कितना कम होगा तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा। तो सर एक बार बताओ एम बी स्क्वायर बाय एल क्या हमेशा लगता रहेगा, तो एम बी स्क्वायर बाय एल हमेशा लगता रहेगा। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ सर, एम बी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी, ठीक है सर लिख लो सर। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिटा कर, है ना, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो इसमें टेंशन होगा वो क्या होगा एम बी स्क्वायर बाई एल माइनस टू एम जी, माइनस टू एम जी, है ना। ये दिमाग तुम्हें अब रखना है ना, एम बी स्क्वायर बाय एल माइनस टू एम जी, जो टॉप पर जो फोर्स टेंशन होगा ना, जो टॉप पर जो टेंशन होगा ना, वो क्या होगा एम बी स्क्वायर बाय एल माइनस फाइव एम जी, एम बी स्क्वायर बाय एल माइनस फाइव एम जी। बोलो बात समझ में आ रही है मेरी बात, मेरी बात समझ में आ रही। तो मैंने इस यहाँ पर एम बी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी लग रहा है, यहाँ पर एम बी स्क्वायर बाय एल माइनस टू एम जी लग रहा है, यहाँ पर एम बी स्क्वायर बाय एल माइनस फाइव एम जी लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ यहाँ से जाने पर यहाँ पे घट गई है, तो 60 डिग्री पर इससे तो कम ही होगा ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये हाईएस्ट पॉइंट पर देख लो सब बहुत कम है, एम बी स्क्वायर बाय एल माइनस का फाइव एम जी। अगर तुम ये सब कुछ नहीं भी पता तुमको, है ना, फिजिक्स नहीं भी आते, बेसिक सेंस से भी कह सकते हो सर हाईएस्ट पॉइंट पर कैसे टूटेगा सर, बेसिक सेंस, बेसिक बेसिक थिंग लगाओ, है ना। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा थर्ड हो गया, समझ में आया होगा, ठीक है।